हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फोटो ब्रेकडाउन, जहां पे अपनी फोटोज का हम ब्रेकडाउन करते हैं। एंड आज की इस वाली वीडियो में ब्रेकडाउन करने वाले हैं इस फोटो का। आई नो ये फोटो को देखने में बहुत सही लग रही है, बट इस फोटो के पीछे कहानी क्या है जानेंगे आज की इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस फोटो इज नथिंग। Okay, so guys, here we are on the road. और यार ये ब्रिज मेरे घर के आसपास ही है, मतलब हम जब भी यहाँ से जाते ना ये ब्रिज मेरे को दिखता था। मैं बहुत टाइम सोचता था यहाँ पे फोटो शूट करने के, लेकिन आज हम फाइनली इस ब्रिज पे आ चुके हैं। कुछ यहाँ पे जो फोटो हम क्लिक करेंगे स्टेयर्स पे, आप देख सकते हैं ये स्टेयर हमें बहुत सही लग रही है। एंड यहाँ पे काफी टाइम से मेरे माइंड में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कुछ यहाँ पे फोटो क्लिक कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे सेंटर में आकर देखें, यहाँ पे बिल्कुल मस्त एक सिमेट्रिकल लाइन बन रही है। अगर इस साइड का पोर्शन हम कॉपी करके इस साइड लगा दें बिल्कुल सेम ही लगेगा। तो यहाँ पे हम कुछ फोटो क्लिक करते हैं ऊपर आके। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट कोई नहीं, हम फोटो क्लिक कर ही लेंगे अपनी। आई थिंक यहाँ पे सही आएगी फोटो। बाकी अगर यहाँ पे मैं लेंस की बात करूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ 50 mm, क्योंकि ये जो पीछे का वाइड है ना पूरा, ये मुझे चाहिए। ये जो दोनों साइड की स्टेयर्स है ये दिखनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 100 mm यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा एंड ये दोनों साइड की स्टेयर्स हमारी नहीं दिखेगी, इसलिए मैं 50 mm यूज़ कर रहा हूँ। सो चलिए यहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं एंड इस बैग को मैं रख देता हूँ वहीं पे। यार यहाँ पे फोटो क्लिक करने का एक और बड़ा फायदा मेरे को ये लग रहा है, ये स्टेयर्स मैंने अभी नोटिस किया, इसका कलर बड़ा मस्त लग रहा है फोटो में। एंड ये जो ग्रीन कलर है इसको हम चेंज करके ब्लू कर लेंगे, और जो मेरी जींस कलर है इसको भी हम सेम कर लेंगे, तो फोटो में बहुत मस्त कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बन जाएंगे। मतलब ब्लू और येलो टोन हम फोटो में डालेंगे तो फोटो बहुत ही सही मेरे को लग रही है यहाँ पे आ जाएगी। और जो पीछे स्काई भी है ये भी बहुत मस्त लग रहा है, तो देखते हैं कैसी हमारी फोटो बन पाती है यहाँ पे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा सेटिंग्स। बेसिकली इस फोटो में यहाँ पे हमने लाइटिंग्स बहुत अच्छी में मिल रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शटर स्पीड को रखा अराउंड 350 हमारी शटर स्पीड थी, एंड अपर से 1.8 बिल्कुल मिनिमम, ताकि बैकग्राउंड में ब्लर मिल जाए। एंड ISO को एज लो एज पॉसिबल मैंने 100 पे सेट कर दिया था, एंड फोटो में हमारी लाइटिंग्स काफ़ी परफेक्ट हो गई थी। एंड मैं यहाँ पे लेंस यूज़ कर रहा था 50 mm, ताकि वो बैकग्राउंड का जो डेप्थ है ना वो हमें मिल पाए, और वो जो फ्रेमिंग पीछे बन रही है वो हमारी बन जाए। अब ये सारी सेटिंग्स हमारी फोटो तो काफ़ी परफेक्ट आ गई थी, लेकिन हमारी फोटो बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं आई थी। हमें इसको एडिटिंग में अभी सही करना था, क्योंकि एक साइड का फ्रेम तो बहुत सही था खाली खाली, लेकिन दूसरी साइड हमारे पास जो ब्रिज था वो भी आ रहा था फोटो में, एंड इस वजह से फोटो बिल्कुल सिमिलर लेफ्ट टू राइट नहीं लग रही थी। बट डोंट वरी, इसको हम एडिटिंग में फिक्स कर लेंगे। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पे हमने बहुत सारी फ्रेमिंग ट्राई की, कुछ हमने पोर्ट्रेट में ली, कुछ हमें लैंडस्केप में ली, लेकिन जो परफेक्ट फोटो हमें ये लगी इसको हम एडिट करने वाले हैं। एंड इसमें हम वो बिल्कुल मस्त सिमेट्रिकल फील डालने वाले हैं, एंड कलर टोन के जरिए फोटो को हम और ज़्यादा बेस्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इस फोटो को एडिट किया एंड कैसे ये फोटो इतनी परफेक्ट निकल गया। ओके, तो भैया एडिटिंग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फोटो में जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं उसको हम सुधार लेते हैं, मतलब जो क्लिक करते वक्त थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती है फोटो में, जैसे फोटो थोड़ी सी डार्क लग रही है और वाइट बैलेंस भी सही नहीं है, तो इसको हम लाइट रूम की मदद से सुधार लेंगे। इसको हम शेयर करते हैं एंड लाइट रूम के अंदर इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे ये हमारी फोटो भी आ चुकी है। सबसे पहले चलेंगे यहाँ से लाइट वाले टाइप के अंदर, एंड यहाँ से हम इसकी शेडो को बढ़ाएंगे, हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा सा मैं कम करूँगा, कॉन्ट्रास्ट भी हम थोड़ा कम करेंगे। आगे चलते हैं, इसका हम टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे, एंड इसका जो टिंट है इसको भी हम थोड़ा सा माइनस साइड रखेंगे। इसका बढ़ाएंगे वाइब्रेंस, तो फोटो में कलर्स हमारे मस्त लग रहे हैं। इसके अलावा ऊपर जाएंगे मिक्स के अंदर, कलर टाइप के अंदर, एंड यहाँ से जो हमारा ये ग्रीन कलर है जो स्टेयर्स पे है, मैं चाहता हूँ इसका कलर और मेरी जीन्स का कलर बिल्कुल सेम हो जाए, तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसका हम यू चेंज करेंगे, इसका नेक्स्ट कलर इसका भी हम यू चेंज करेंगे, तो ये हल्का सा ब्लू टोन में आ रहा है। इसका हम सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं, इसका भी बढ़ा लेते हैं, एंड जो ये जीन्स का कलर है इसका भी हम यू चेंज करते हैं, ताकि ये भी बिल्कुल मैच हो जाए। इसका थोड़ा कम करेंगे, उसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ताकि ये दोनों आपस में एक सेंटर पॉइंट पे मैच हो जाए। ओके, इसका हम लुमिनियंस भी कम कर सकते हैं, और ये जो कलर था इसका भी हम लुमिनियंस कम कर सकते हैं। अब हमारी स्किन का कलर जो है ऑरेंज कलर, इसका हम थोड़ा लुमिनियंस बढ़ाएंगे ताकि स्किन थोड़ी सी ब्राइट हो जाए। ओके, एंड अभी तक देखिए फोटो बहुत सही यहाँ पर लग रही है, कलर्स हमने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिए हैं। इसके अलावा जो स्किन का कलर है इसका मैं यू थोड़ा चेंज करूँगा, थोड़ा सा येलो साइड लेके जाऊँगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा रेड लग रहा है। ओके, एंड जो ये येलो कलर है इसको भी हम थोड़ा सा माइनस के साइड करेंगे यू। सो यहाँ पे आई थिंक फोटो हमारी काफ़ी सही से यहाँ से कलर करेक्ट हो चुकी है, एंड देखिए बिफोर आफ्टर अभी तक फोटो में काफ़ी मस्त चेंजेस आ चुके हैं। अब इसमें मेन चीज़ हमें क्या करनी है, यानी कि फोटो को सिमेट्रिकल बनाना है। जैसे आपको इस साइड से ये फोटो दिख रही है, ये इसका जो पार्ट है इधर का, ये बहुत सही लग रहा है इधर वाला, लेकिन इधर वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि पीछे देखिए ये एक ब्रिज की लाइन आ रही है, मतलब ये पता नहीं क्यों बॉक्स सा दिख गया एक साइड से, तो इसको हमें हटाना है एंड बिल्कुल फोटो को ऐसा बनाना है कि दोनों साइड से बिल्कुल फोटो बराबर क्लिक हो रखी हो, यही सेम सीढ़ियाँ इस साइड भी हो, तो बहुत ही ईजी है। ये करेंगे पिक्सआर्ट मोबाइल के अंदर, सबसे पहले फोटो को ऐसे करते हैं सेव, एंड सेव कर लेते हैं डिवाइस के अंदर, एंड वापस फोटो खोलते हैं पिक्सआर्ट मोबाइल के अंदर। अब देखिए पिक्सआर्ट के अंदर बहुत ही ईजी स्टेप्स में इसको हम एडिट करेंगे। सबसे पहले जो अपनी फोटो में क्लोनिंग का काम करेंगे, इस साइड से इस ब्रिज को हम क्लोन करेंगे, एंड वो बहुत ही सिंपल है। जस्ट मैं अपनी इसी फोटो को दोबारा से वापस ले आऊँगा, यहाँ पे सिंपली जाऊँगा यहाँ से ऐड फोटो में, एंड एक बार दोबारा से इस फोटो को ऐड कर लेते हैं, एंड ये बहुत ही अलग तरीका है, बट इससे हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा।
ये मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब चलते हैं क्रॉप में एंड इसको करते हैं फ्लिप, ये रहा फ्लिप एंड रोटेट, इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हैं एंड इसको हम पूरी फोटो के ऊपर रख लेंगे ऐसे। ओके अब हमें क्या करना है, इरेजर पर क्लिक करना है, इसको पूरा इन्वर्ट कर देते हैं एंड जस्ट हम इस साइड पेंट करेंगे। रिस्टोर पर क्लिक करेंगे, साइज़ बढ़ा लेते हैं, हार्डनेस बिल्कुल कम एंड सी ये बिल्कुल गायब हो रहा है क्योंकि उस साइड का स्काई इस साइड आ रहा है एंड बिल्कुल पता भी नहीं लग पा रहा है। अगर आप क्लोन टूल का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग सकती है इसमें एंड आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और आई डोंट थिंक इतना परफेक्ट भी होगा। सो देखिए बहुत ही इजी स्टेप्स में ये थोड़ा सा मैस लग रहा है क्योंकि इस साइड से हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा वो कर लिया। इसको मैं पूरा जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा एंड जस्ट मैं इसका स्काई वाला पार्ट रखता हूँ, ठीक है। इसको फिर से इरेजर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट फेस के ऊपर आ चुका है और बिल्कुल स्टार्टिंग से दोबारा करते हैं। सो देखिए जस्ट ये जो ब्रिज है यहाँ पे मैं पेंट करूँगा और हमारा ब्रिज यहाँ से गायब हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हमने ये पेंट कर लिया, इसको कहते हैं डन एंड देखते हैं एक बार बिफोर आफ्टर कैसा लग रहा है। इसकी ओपेसिटी कम करके देखता हूँ। सो बिल्कुल मस्त लग रहा है एंड पूरा ब्रिज बिल्कुल गायब हो चुका है एंड फोटो बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रही है जो कि काफ़ी सही चीज़ है। इसको कहते हैं डन एंड एक चीज़ और यहाँ पे गलती हमारी रह चुकी है, इस साइड देखिए ये एक लाइन आ रही है, इसको भी हमें करना होगा। तो सिमिलरली जाते हैं यहाँ से ऐड फोटो में, इसको दोबारा से ऐड कर लेते हैं और जस्ट यहाँ पे स्काई का पार्ट रखते हैं एंड इरेजर पे जाके इसको इन्वर्ट एंड देन जस्ट हम यहाँ पे रिस्टोर करेंगे इस लाइन पे एंड सी ये भी गायब हो चुका है। इसको कहते हैं डन। तो यहाँ पे हमारी फोटो में बहुत मस्त हमने इसमें सिमेट्रिकल एक लुक डाल दिया है जो कि बहुत सही लग रहा है। तो ये सब हो चुका है, फोटो करते हैं यहाँ से गैलरी में सेव एंड इसके बाद लेके चलते हैं लाइटरूम के अंदर फाइनल कलर ग्रेडिंग करने के लिए एंड वो लुक इसमें डालने के लिए। सो यहाँ पे मैं लाइटरूम के अंदर आ चुका हूँ, इंपोर्ट करते हैं दोबारा से इस फोटो को एंड सी ये फोटो हमने यहाँ से इंपोर्ट कर ली है। अब ये फोटो हमारी यहाँ पे आ चुकी है, इसमें दोबारा से हम स्टार्टिंग से एडिटिंग करेंगे एंड फोटो को बहुत ही मस्त कलर टोन हम डालेंगे। सो देखिए सबसे पहले इस फोटो को मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसका टेम्परेचर मैं अराउंड इतना रख लेता हूँ, ठीक है। फिर इसका मैं बढ़ाऊंगा टिंट अराउंड 2% तक रख लेते हैं, थोड़ा सा मेरे को चाहिए ये रेड वाली टोन। इसका चलते हैं लाइट्स के अंदर, इसका मैं बढ़ाऊंगा कॉन्ट्रास्ट, फिर हम इसके हाईलाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, शेडोज़ को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा एंड वाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं एंड थोड़ा सा ब्लैक्स को करते हैं कम। यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा सैचुरेशन भी कम कर लूँगा, थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को चमकदार फोटो, और इसका वाइब्रेंस में थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। इसके बाद हम चलेंगे कर्व टोन के अंदर एंड यहाँ पे देखिए हम बहुत सारे पॉइंट्स बनाएंगे। जस्ट मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से जो शेडोज़ है इसकी, इसमें थोड़ी सी फेडेड टोन आए, तो मैं यहाँ पे पहले पॉइंट्स बना लेता हूँ बहुत सारे। ओके अभी मैं जस्ट पॉइंट को शेड नहीं रहा हूँ, जस्ट बना रहा हूँ, और नीचे का जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा अप करूँगा ताकि थोड़ा सा फेड इसमें आए। ये वाला जो पॉइंट है इसको देखिए हम थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे तो इसमें मस्त एक फेड आ रहा है, और हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा डाउन ही करूँगा। डन। इसके बाद चलते हैं रेड टोन में एंड सेम रेड में मैं बहुत सारे पॉइंट्स बनाऊंगा एंड जिसके हाइलाइट्स वाले पार्ट है यहाँ से थोड़ा सा डाउन, और जो शेडोज है यहाँ से थोड़ा सा अप। तो कुछ इस टाइप से आपको एक कर्व बना लेनी है, आपको देख लेना हाइलाइट्स में थोड़ा सा हमने अप करना है एंड शेडोज में थोड़ा सा फेडी टोन डालनी है रेड में भी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे ग्रीन्स में एंड ग्रीन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से मैं डाउन करूँगा इसको, थोड़ा ज़्यादा ग्रीन लग रहा है मुझे इसलिए, एंड यहाँ से हम थोड़ा सा अप कर लेंगे इसको। ओह ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ करनी है, तो जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ से अप करूँगा। इसके बाद अगर मैं वाइट्स में जाऊँगा एंड मेरे को थोड़ा सा ना ये जो वाइट पीछे लग रहा है स्काई हमारा, ये मेरे को बिल्कुल ही वॉश आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा इसको उठा देंगे ऊपर की साइड। सो देखिए इससे क्या होगा ना, पीछे जो स्काई है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और बिल्कुल मतलब ऐसे फेडेड वाली फील आ जाएगी स्काई में, तो ये सही लग रहा है, इसको डन करते हैं। एंड यहाँ पे हमने कर्व्स को अपनी एडजस्ट कर लिया, अब मूव करते हैं आगे। तो सबसे पहले जाऊँगा यहाँ से इस वाले टाइप के अंदर एंड यहाँ पे जो हमारी स्किन का कलर है इसको थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाऊंगा। ओके एंड जो येलो कलर है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बाकी इन कलर्स को हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, जैसे ये वाले कलर्स जो हैं क्योंकि थोड़े ज़्यादा चमक रहे हैं आँखों में, इनका हम थोड़ा लूमिनियस भी कम कर लेते हैं, जैसे ये ब्लू जो कलर है, और जो हमारा येलो कलर है इसका हम थोड़ा सा ह्यू चेंज करके ना थोड़ा सा इसको इस साइड ले आते हैं जो कि काफ़ी सही लग रहा है। स्किन का कलर जो है थोड़ा सा और इसका सैचुरेशन बढ़ाते हैं एंड आई थिंक यहाँ पे इसमें इतना ही काम था हमारा, इसको डन करते हैं, आगे मूव करते हैं एंड यहाँ से इसमें पहले विनियट ऐड करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी एजेस में थोड़ा सा फेड ऐड हो।
बट विनियर से दिक्कत क्या हो रही है ना, हमारी ऊपर की साइड भी फेड ऐड हो रहा है। मैं इस फोटो में चाह रहा हूँ कि फोटो हमारी जस्ट नीचे से ब्लैक टाइप से फेड हो एंड ऊपर से बिल्कुल हमारी वाइट टोन लगे फोटो में, तो मैं इसको बिल्कुल रिसेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हम सेलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ से हम एक राउंड लेंगे, ओके, एंड इसको हम इन्वर्ट करेंगे। नीचे की साइड ही आ चुका है, इसका हम एक्सपोजर कम कर लेंगे एंड इसका हम कॉन्ट्रास्ट या क्लैरिटी बढ़ा लेंगे एंड डन। सो देखिए नीचे से हल्का सा फेड आ रहा है फोटो में, जो कि बहुत सही लग रहा है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे एंड जो कलर मिक्सर हमारे पास है, हाईलाइट एंड शेडो, यहाँ पे हम कुछ कलर टोन्स को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं शेडोज़ में चलूँगा एंड इसका हम सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं एंड इसको हम रखते हैं यहाँ पे अराउंड इस टोन में, मतलब थोड़ी सी ब्लू टोन यहाँ पे आए तो इसको हम इतना रखेंगे, बहुत सही लग रहा है ये। अब चलते हैं हम अपने हाईलाइट्स में, इसका भी हम सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं पहले एंड इसको भी हम चेंज करते हैं। येलो टोन इसमें है, ये मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेते हैं एंड देखिए ओवरऑल फोटो में थीम एंड लुक मतलब बहुत ही सही लग रही है मेरे को तो पर्सनली। इसके अलावा आप इसमें सेलेक्टिव टूल का यूज़ करके फोटो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे ऊपर की साइड से मैं वाइट टोन इसमें डालना चाहूँगा बिल्कुल फेड वाली, तो यहाँ पर हम जाएंगे एंड सेलेक्टिव टूल को हम दोबारा से लेंगे, इसका हम एक्सपोजर बढ़ा लेंगे। तो इससे ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब फोटो में ऊपर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है एंड इस वजह से बिल्कुल फेडेड सा लगता है। एक और हम बना लेंगे, इसका भी हम एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, इस साइड भी रख लेंगे एंड डन। सो देखिए अगर आपको मैं बिफोर आफ्टर दिखाऊं अब तो आप फोटो में देखना लाइट कैसे शिफ्ट हो रही है। पहले हमारी लाइट बिल्कुल बैकग्राउंड की साइड थी एंड अब देखना सब्जेक्ट तरफ कितनी मस्त आ चुकी है। एंड ये देखिए मतलब पहले हमारा नीचे लाइट था ऊपर डार्क था, लेकिन अब हमने नीचे डार्क एंड ऊपर लाइट कर दिया है एंड फोटो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है इस चीज़ से। फिलहाल ये टोन हमारी फोटो में बहुत परफेक्ट लग रही है, जस्ट इसमें हमें डॉज एंड बन की एंड स्किन स्मूथनिंग की जरूरत है एंड हमारी फोटो बिल्कुल रेडी है। तो आप अब कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टोन कैसी लगी एंड ये फोटो भी आपको कैसी लगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक इस टोन का प्रीसेट बनाऊं ताकि आप ये सारी टोन एक क्लिक में डाल सको अपनी फोटो में, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड ये फोटो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब मैं चाहता हूँ आप भी अपनी फोटो को इस टाइप से क्लिक कीजिए, कहीं आसपास अपने सिमेट्रिकल फ्रेम्स को ढूंढिए एंड वहाँ पे अपनी फोटो क्लिक कीजिए। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्रिकल फ्रेम ना मिले तो आपको अगर एक साइड का फ्रेम पसंद आ रहा है उसको आप कॉपी करके फ्लिप करके दूसरी साइड भी लगा सकते हैं एंड आपकी फोटो बहुत मस्त एक सिमेट्रिकल लुक में बन सकती है। आप अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जहाँ पे आप सिमेट्रिकल फोटोज़ को बना सकते हो। सो एक बार ट्राई जरूर से करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।